हेलो फ्रेंड्स, हमारी आज की रेसिपी है मक्के के आटे के पकौड़े। मक्के के आटे के पकौड़े खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं, साथ ही ये पकौड़े जो हैं बेसन के पकौड़े से ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। आप इस रेसिपी को एक बार ट्राई करें। तो चलिए मक्के के आटे के पकौड़े बनाना शुरू करते हैं। मक्के के आटे के पकौड़े बनाने के लिए हमें सबसे पहले ज़रूरत होगी मक्के के आटे की। हमने यहाँ पर मक्के का आटा लिया है, ये एक कटोरी आटा है, आप जितना चाहें उतना ले सकते हैं। उसके बाद हम सबसे पहले इसमें डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, साथ ही अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंग लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा हींग इसमें डाल देंगे। उसके बाद अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको घोल लेंगे। इसका हमें बहुत ज़्यादा पतला बैटर नहीं बनाना है, थोड़ा गाढ़ा ही रखना है। हम इसमें पानी डालेंगे, अगर हमें ज़रूरत लगेगी तो हम थोड़ा सा पानी और ऐड कर लेंगे और इसको अच्छी तरह से घोल लेंगे। आपको ध्यान रखना कि इसमें लम्स नहीं रहने चाहिए, पानी को थोड़ा थोड़ा करके ही डालें, एक साथ ना डालें। और इसका जो ये घोल है हमें पतला नहीं करना है, इसको भी हमें थोड़ा गाढ़ा ही रखना है। हमने मक्के के आटे को अच्छी तरह से घोल लिया है। इसको हम अच्छी तरह से घोलने के बाद कवर करके कम से कम 5 से 7 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे, जिससे मक्के का आटा जो है वो अच्छी तरह से फूल जाएगा, उससे पकौड़े और भी अच्छे बनेंगे। साथ ही हमने यहाँ पर कुछ सब्जियाँ ली हैं, जिसमें हमने आलू लिया है, प्याज ली है और ग्रीन ऑनियन ली है। आलू को पतला पतला काट लिया है, प्याज को भी हमने लंबा लंबा काटा है और ग्रीन ऑनियन को भी छोटा छोटा काट लिया है और 2 हरी मिर्च ली हैं। साथ ही हमने कढ़ाई में तेल गरम करने के लिए रख दिया है। 5 से 7 मिनट हो चुके हैं, हमने जो मक्के के आटे का घोल तैयार किया था उसे हम एक बार फिर से अच्छी तरह से चला देंगे और इसमें जो हमने सब्जियां काट कर तैयार की थी वो सब्जी इसमें डाल देंगे। इसमें सबसे पहले हम डालेंगे आलू, प्याज और ग्रीन ऑनियन। उसका हमने वाइट वाला पार्ट नहीं लिया, सिर्फ ग्रीन वाला पार्ट लिया है। साथ ही इसमें जो हरी मिर्च हमने काट ली थी उनको लंबा लंबा काट लिया, आप चाहे तो गोल भी काट सकते हैं, उसको भी इसमें डाल देंगे और इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। आप पकौड़े बनाने के लिए अपनी पसंद की सब्जियाँ भी ले सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। सब सब्जियों को मक्के के आटे के घोल के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और हमारा तेल गर्म हो चुका है। उसके बाद हम इसमें तेल में इनको डालते जाएंगे, आप चाहें तो स्पून की हेल्प से भी डाल सकते हैं या फिर हाथ से भी इस तरह से लेकर इसमें डालते जाएं। हमें इनको मीडियम फ्लेम पर ही बनाना है। सारे पकौड़ों को इसमें डालने के बाद मीडियम फ्लेम पर पहले एक साइड से अच्छी तरह से सिकने देंगे। फ्लेम को आप बिल्कुल भी हाई ना करें, नहीं तो पकौड़े जल जाएंगे। ऊपर से तो आपको लगेगा कि सिक चुके हैं लेकिन अंदर से कच्चे रह जाएंगे। एक साइड से सिकने के बाद हम इनको पलट देंगे और दूसरी साइड से भी अच्छी तरह से सिकने देंगे। जब ये धीरे धीरे सिकेंगे तो खाने में बहुत ही क्रिस्पी लगेंगे। आप देख सकते हैं कि दोनों साइडों से पकौड़े सिक चुके हैं। हम उन्हें एक बार और पलट देंगे और दूसरी साइड से थोड़ी देर और सिक लेंगे। हमारे पकौड़े अच्छी तरह सिक चुके हैं, अब हम इनको निकाल लेंगे और गर्म गर्म सर्व करेंगे। ये पकौड़े खाने में बहुत ही क्रिस्पी लगते हैं। आप हमारे मक्के के आटे के पकौड़े की इस रेसिपी को ट्राई करें और फिर कमेंट करके हमें बताएं कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, साथ ही फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। इसी के साथ आप सभी को राधे राधे।